एमएसपी अगर कहने के दो तो तीन गुणा भी मिलता ना, फिर भी कहने खेती ना गुजारा नहीं होना। दुनिया के 209 देश ने गे, तो यह दस्सिओ मैनू कि एग्रीकल्चर के नाल कित्थे डिवेलपड होए आ कहने के। नहीं बिल्कुल, इस सवाल से तुम इन्हों करो किसान आगू तो बेहतर होएगा। तुम गलत थान पर सवाल का जवाब जोड़ा है वह लै रहे हो, पर फिर भी मैं तुम्हें दस दिना एम एस पी कोई खुशहाली का पैमाना नहीं है जी। एम एस पी जो तुम सारे की व्याख्या समझोगे तद ही तुम साफ हो जाएगा मिनीम सपोर्ट प्राइस कि किसान सहकदा रखना है, मरन देना मतलब कि हाँ मरन नहीं देना उन्हों। ये नहीं है कि उन्होंने पूरा तगड़ा करके बॉडी बिल्डर बना देना, यह काम नहीं है जी। ये सिर्फ एक तरह नाल कह लो कि वो बिल्कुल बदहाल ना हो, ना लागत चढ़े ते ना थोड़े पैरां चाके जी हाँ। बस तुहानू किसने कहा कि मिनीम सपोर्ट प्राइस है जिहड़ा वो खुशहाली का प्रतीक है जी। खुशहाली जिहड़ी आ ना वो जिवें मान लो आई भी है पंजाब ने कुछ हद तक, देखो हरी क्रांति चो पाया भी हासिल भी किया, पर इत्थे मसला होर तरह का सीगा कि साडी धरती साडा पानी एक वक्री गुणवत्ता रखता जोर जी। साडी जिहड़ी प्रोडक्शन है प्रोडक्टिविटी है जिहड़ी वो अज भी तुसीं देखो ना लैंड किन्ना साढ़े कोल डेढ़ फीसद जी, कंट्रीब्यूशन देख लो 39% हैगा साडा चौलों का, तो मैनू लगता 30% साडा होना वीट का जी। तो ये करके कि एक एम एस पी की सपोर्ट सी, एक साडी प्रोडक्शन ज़्यादा सी दूजियां दे मुकाबले, साडे लोग खेती क्योंकि बहुत सदियों तो करते आए थे, इन्हां कोल विधियां सीगियां आपदे देसी बीज भी सन पहला इन्हां कोल। सो यह है कि इनू जे तुसी आखो ना कि खुशहाली का पैमाना, बिल्कुल मैं तुहाडी गल नाल सहमत हाँ, पर इनू ना दे के वो जिहड़ा सहक का माड़ा मोटा साह आउंदा है ना, बिल्कुल ऐं करोगे तुसी फिर ऐं आ एम एस पी देख के मतलब ये नहीं कला कि चलो किसान छड़ के दूसरे पास ना जी पूरी करनी है ना घटो घट। मैं होर कहना जी कि कर्जा माफ करके भी तुसी किसान किदां उन्हूं सरवाइव करोगे जी, क्योंकि कर्जा तो हरेक साल ही चढ़ जाना है ना, एक साल कोई कुदरती विपता आ गई तो तद भी कर्जा चढ़ गया, छमाही ची आ गई साल भी छोड़ो। तो गल तो यह है कि खेती जिहड़ी आ बिल्कुल कि छोटे किसान नू लाभकारी खेती वो जिहड़ा बिल्कुल डिपेंडेंट है निर्भर आ उन्हूं 2 किले जां जिवें इन्हां दा 90% वाला अंकड़ा बिल्कुल गलत है, 80-82% है जिहड़ा मार्जिनल किसान जिसनों आपां कहिंदे आ कि उस किसान नू तुसीं मतलब कि सर्वाइवल ही देई चलो वो बहुत आ जी। भी सस्ते स्वामीनाथन कमीशन दियां जदों तुसीं सिफारशां पढ़ोगे उदे मुताबक कि 4% तो वध इन्हां नू व्याज नहीं लाया जाना चाहिए, तो इनकेस मान लो फसल बर्बाद होंदी है तो उस व्याज नू भी छड़ देना चाहिए, यानी कुछ ऐसा लिखा हुआ व्याज के मामले च। तो कहण दा भाव यह आ कि अज जे वह प्राइवेट फाइनैंसर को जाता है यानी भाव शाहूकार को जाता है तो तुम देखो कि उत्थे किन्ने परसेंट लगता है व्याज नू व्याज दा, वो एक चक्कर शुरू हो जाता है जी। सो इन चीज़ों पर तो घट्टो घट काम करने की जरूरत है ना, मैं इन गलों सहमत हाँ जी, कर्जे से लीक मारन भी कुछ नहीं सौरना जी जी, जी। तुहानू वक्खरा एक मैकेनिज़म जिहड़ा पूरा तंत्र विकसित करना पएगा, चाहे वह एम एस पी आ क्रॉप इंश्योरेंस है जां इह कर्जा व्याज आ, यह सारा तुहानू एक सैटअप करना पएगा जी जी जी। सुखदीप जी कहने पे जी शुभकरमन सिंह आ उस नौजवान का नाम 21-22 साल की उम्र आ जी जिदे गोली लगी है जी, कहने कि भाई तो यह गल है। तो नाल दी नाल इधरले पासे तो बलविंदर जी कहने पे जी मिंटू जी जदों पैरामिलट्री आउंदी है तो उसकी ड्यूटी तो होगी ठीक है, पर वो आउंदी तो डीएम के अंडर आ जी क्योंकि आपकी मर्जी नाल तो कुछ कर नहीं सकती, पर डीएम किहदा भाई, डीएम भी तो सरकार दा ही है ना। डीएम देखो इत्थे अनिल मसीह भी तो उन्होंने ही सीगा ना जी, अनिल मसीह ने सारी दुनिया के सामने चोरी कर ली जी। हजूर केड़े डीएम की गल करते हो, इन्हां दे सामने सीएम नहीं कुसकदा, डीएम तो फिर भी एक डिवीजन का मजिस्ट्रेट है ना, इन्हां दे सामने तो सीएम नहीं कुसकदा, ईडी ला दिंदे ना मगर हाँ जी हाँ जी, थब्बा थब्बियां दे थब्बे फाइलां दे पए ने। आ केजरीवाल नूं वेख लो दूजे दिन वह समण आ जांदा, तो समण वाले दिन कोई ना कोई इवेंट रखना पैंदा बेचारे नूं। तो गल ये कि वो कहिंदे कि जां तां मायावती बन जाओ ठीक है ना जी, जां नीतीश बन जाओ, तो जां फिर हिम्मत सोरेन बन जाओ जी 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 जी। तो इत्थे डीएम की की औकात है जी जी जी, ये तो कोई मतलब कि 100 चो 1 ही आ जिहड़ा फिर गांह कोई
छाती तान के खलोवे। तो ऑर्डर डीएम क्यों दे रहा है, कातों दे रहा है, क्यों 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 क्या जा रहा है कि फॉर्मेलिटी कर पूरी भाई। जी 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 जी, तो एक भाई गुजारिश है जरा, एक तो प्लीज़ बार बार कमेंट है जेडे कॉपी पेस्ट ना करो, वो हों की एक दूसर के कमेंट निकल जाते हैं जी। छे नौजवान हरियाणा तो चुक के लै गए जी, कहने कि भाई खनौरी बॉडर के उत्ते भाई पता नहीं है, फिलहाल तो फिलहाल ये सारिया खबर आदियां तो पंगा, चलो जो लै गए तो इस तरह के नहीं, साढ़े वाले पास क्यों दखल देन भाई, वह तो भाई वट्सएप चैनल पुलिस नहीं खड़ी लोती है, पता नहीं ये गल सोचने वाली है वैसे कि जो इधरले पास लैके गए साढ़े बंदे इन्होंने एस एस एफ भेज दी आ जी, फिर इस तों इलावा एंबूलेंसा भेजिया ने। हाँ जी, तो पंजाब पुलिस वाले भी तो गए होने ने, नहीं गए होंगे, मैं तो डब वाले गया सी मिंटू जी। हाँ जी, उत्थे उरले पासे भी अपने पंजाब पुलिस वाले काफ़ी खड़े हो, हालांकि इधरले पासे कोई नहीं है, ईवन डूमाली वाले पासे भी ना उत्थे पंजाब पुलिस लगी हुई है, एक कंबाइन वाला बेचारा उन्हें निकलना सीगा वो फस गया, वो कहने भाई तू पिछे रोक ला तेरा अगे नहीं जान देना, ढमठम इन्हां ने, हालांकि उन्होंने कहने भी जे तू पंजाब वाले पुलिस मोड़ दा ना, वैसे कंबाइना साडियां बाहर नूं जाण लई तैयार है। हाँ जी, ते जाणगियां किधर, मान लो मध्य प्रदेश च बहुत जांदियां ने जी, वाया हरियाणा जां राजस्थान, तां दोनों पासे ते इक तरह नाल कह लो कि नाकाबंदी आ, ते हरियाणे इत्थों चले गए निकल गए, अगे जाके बेचारे फिर फस गए, फिर ना निकल गए, फिर की करनगे, राष्ट्र दी बड़ी बिपता है जी। जी जी जी, ये गल ठीक है तुहाडी जी, तां इस तों बाद भाई आपां आ जांदे, कोई गल नहीं भाई, चंडीगढ़ चोण दे उत्ते भी गलबात जिहड़ा आपां कर लांगे जी, तां इस तों इलावा भाई आपां अगे नूं चल पईए भाई, मिंटू जी जरा जे इजाजत दिओ तां प्लीज़ आपां थोड़ा जिहा अगे वल नूं चल पईए, जे कोई डिवेलपमेंट आई तां आपां अगे जा के गल कर लांगे। कोई गल नहीं मिंटू जी, युवराज सिंह दे भी चर्चे आ, कहिंदे कि युवराज सिंह भी हुण बैटिंग कर लगे आ, ते बैटिंग कहने के भाई उन्हां नूं करन दे लई कहने के कमल दा फुल्ला जिहड़ा ना उह मोके लै गया, कहने के भाई तैयारी पूरी है, खुशबू आ गई, खुशबू आ गई है, तैयारी शैयारी पूरी चलती पई है, कोई पता नहीं कदों चले जाण। वैसे गल ये भी उन्हां दे जिहड़े पिता ने गे उह तां ज़्यादातर जिहड़ा कांग्रेस वाले पासे ज़्यादा तालुकात रखते ने वैसे। हाँ जी, वो किसानी अंदोलन च भी वाहवा गेड़ा शेड़ा उन्होंने रख्या सीगा। हाँ जी हाँ जी, पिछली बारी भी हाँ पूरा एक्टिव मोड च रहे, पंजाब च भी आके रहे हैं, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਟਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਬੌਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੌਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਆ ਜੀ, ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,